सालों तक सांसद रहे और महाराष्ट्र में विधायक की जिम्मेदारी संभाल चुके केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रताप राव जाधव रविवार को बिलासपुर प्रवास के दौरान मीडिया से चर्चा करने पहुंचे और बजट पर अपने विचार विस्तार से रखे। बजट को लेकर जो सवाल पूछे उसके रोचक जवाब दिए। उन्होंने कहा कि लगातार विपक्ष के पास बजट को लेकर भ्रामक जानकारी फैलाना और आलोचना करने के अलावा कोई काम नहीं। वहीं जब उनसे राहुल गांधी को लेकर सवाल पूछा तो उनके जवाब गौर करने लायक थे। उन्होंने सदन में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे राहुल गांधी को लेकर जो प्रतिक्रिया दी वो उम्मीद के अनुरूप ही रही। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव की माने तो राहुल गांधी की आलोचना तथ्यहीन और उनके तमाम आरोपों को निराधार करार दिया। बिलासपुर में डायरिया और मलेरिया से पूछे गए सवाल को लेकर उन्होंने कहा, डायरिया से अभी तक बिलासपुर में एक भी मौतें नहीं हुई। बिलासपुर में एम्स बनाने को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने गोलमोल तरीके से जवाब दिया, स्पष्ट रूप से जवाब नहीं दिया। बिलासपुर में एम्स हॉस्पिटल बनाने को लेकर हामी भी नहीं भरी। के लिए युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए वो सारे प्रावधान किए गए और शॉर्ट में अगर बताने का रहा तो ये बजट को सामने आते हुए विपक्ष के लोग घबरा गए। अभी हम देख रहे हैं कि चार दिन से संसद में जो अलग अलग विषयों पे चर्चा हो रही है वो चर्चा में अगर आप देखेंगे तो विपक्ष के तरफ से कहीं भी ज़्यादा तीखे हमले या तीखी नोकझोंक वहाँ पर नहीं हो रही है। इसका मतलब ये बजट अच्छा है और विपक्ष भी इससे घबरा गया है। ये महाराष्ट्र से किसानों की मौत के आंकड़े नहीं आते। आप महाराष्ट्र में कॉपरेटिव में काफी काम किया हुआ है, जो किसानों की समस्या है वो जड़ से खत्म हो चुकी है, कोई समस्या नहीं है। अभी देखिए किसानों के लिए महाराष्ट्र सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री सम्मान योजना के 6,000 रुपए किसानों को मिलते थे, हमारी सरकार भी 6,000 रुपए उसमें बढ़ाकर 12,000 रुपए किसानों को दे रही है। किसानों के खेती पर या उनके फसलों पर जब नैसर्गिक आपत्ति आती है तो NDRF के जो कानून है नियम है उससे 3 गुना ज़्यादा मदद महाराष्ट्र सरकार किसानों को देती है। किसानों के लिए बहुत सारी आंकड़े नहीं जारी करने के क्या वजह होंगे? किसके आंकड़े बोल रहे हो? किसानों के मौत के मामलों के जो आंकड़े हैं वो महाराष्ट्र से नहीं आते। अभी देखो ये किसानों के भी आत्महत्या के आंकड़े रिकॉर्ड पर ही रहते हैं। अरे जो उसके लिए जो भी किसानों के क्या बोलते कर्ज अंक पर होने की वजह से या फसल पे कुछ नुकसान होने से जो भी किसान लोग आत्महत्या करते हैं तो उनका उनको मदद हमारी सरकार देती है और उनके आंकड़े भी जाहिर होते हैं। डायरिया के लक्षण जरूर उसमें पाए गए थे, परंतु अंतिम जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जो रिपोर्ट आया है उसमें कोई भी मौत डायरिया से एक भी मौत नहीं हुई है। मलेरिया से 15 मौतें पूरे प्रदेश में हुई हैं। पिछले सरकारों का भी आंकड़ा हम देखेंगे तो उनके समय इन्हीं 6 महीने में 15 से लेकर 38 तक मौतें कांग्रेस की सरकार में हुई हैं। हालांकि मैं उससे कोई तुलना नहीं करना चाहता, लेकिन हम प्रयास लगातार कर रहे हैं। आप कहीं भी देख लीजिए, किसी भी हॉस्पिटल की तुलना कर लीजिए, पिछले सरकार से हमने बेहतर किया है। 6 महीनों में हमने जितना हो सकता है व्यवस्थाएं सुधारने का। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।